नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार भांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा गंधराज। जी हां दोस्तों, गंधराज पौधे के बारे में बताऊंगा, क्या खाद लगेगी, कैसे लगाना है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बैल है, उसे भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं आपका इस कार्यक्रम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि किस तरह से बाजार से जब पौधा लाएं तो किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से लगाना है, और गमले में मिट्टी कैसे लगेगी और खेत में मिट्टी कैसे लगेगी, संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है गमला। तो देखिए, इसमें मैंने छेद किया हुआ है, तो आपको भी एक छेद करना है ताकि अधिक पानी हो तो निकल जाए। तो इसमें जो मैंने छेद किया है, इसमें मैंने ये पत्थर लगाऊंगा। आपके पास जो भी पत्थर हो तो इस तरह से आप ले लीजिए, क्योंकि इसमें दो छेद है इसलिए मैंने दोनों के ऊपर रख दिया है। तो दोस्तों, जब भी आप गमला लें और गमले के लिए मिट्टी तैयार करें तो क्या क्या चीज़ चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको 50 ग्राम जो है गार्डन सोल चाहिए, यानी कि गार्डन की मिट्टी चाहिए, और 20% जो है आपको गोबर की खाद चाहिए, और जो है आपको 20% जो है अगर आपको कंपोस्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलता है तो कोकोपीट इस्तेमाल करें, वो भी नहीं मिलता है तो 20% और मिट्टी मिला दें, और 10% आपको इसमें रेत, जिसे हम बजरी कहते हैं, वो डालना है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। पहले मैंने इसमें पत्थर लगा दिया है, खाद क्या लगेगा आगे मैं आपको बताते रहूँगा। तो सबसे पहले हम इसमें मिट्टी डालेंगे। तो मिट्टी मैंने पहले ही तैयार कर रखी है। मिट्टी को पहले से तैयार करके रखना चाहिए दोस्तों, और उसके बाद जो है 2 से 3 दिन बाद ही जो है पौधा लगाना चाहिए, ताकि जो है उसे हवा मिले मिट्टी को, और जो उसके अंदर अगर फंगस वंगस है तो वो सब निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको मिट्टी डालनी है। दोस्तों, जब आपका पौधा लग जाए तो इसमें डीएपी आपको डालना है। तो जैसे कि गमला है तो गमले में आपको डीएपी जो है मुश्किल से जो है 10 से 12 दाना डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो पौधा जो है जल जाएगा। और डीएपी डालने के बाद आपको मिट्टी में मिलाना है उसे। तो ये हमारा देखिए, मैंने यहाँ तक भर दिया है, अब इतना छोड़ दिया है। अब मैं पौधा लगाऊंगा, कैसे लगाना वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए, तो जब भी बाजार से पौधा लाए तो इस तरह की थैली मिलेगा आपको। तो देखिए, इसकी थैली के पीछे 2 इस तरह से बने रहते हैं मोड़। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का आप खींचेंगे तो ये देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये देखिए। तो अब जो है इसे हम लगाएंगे। तो इससे पहले हम इसकी थोड़ी मिट्टी निकाल लेंगे दोस्तों, और नीचे के कुछ जड़ों को हम काटेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, जो है ये पत्ता, इसके देखिए इसे फूल बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही शानदार फूल होता है। ज़रूर इसके फूल जो है बहुत ही, जैसे कि नाम है इसका गंधराज, तो गंधराज में जो है गंध ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसमें गंध है अच्छी, काफ़ी अच्छी खासी, बहुत ही खुशबू आती है दोस्तों। इसकी खेती भी करके बहुत कमाई कर सकते हैं, मोटी कमाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसकी थोड़ी सी मिट्टियों को मैं रिमूव करूंगा ताकि ये नई मिट्टी में आसानी से जुड़ जाए, मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, ये जड़ है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसकी थोड़ी सी जड़ को काट दूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी काटूंगा, नहीं तो पौधा मर जाएगा। तो ये देखिए, आपको जड़ जरूर रखना है आपको, देखिए जैसे कि मैं दिखा रहा हूं आपको। तो अब हम इसे लगाएंगे। तो लगाने के लिए मैंने पहले आपको बताया कि गमला कैसे तैयार करना है, इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच लगाना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है गमले के ऊपर ना हो। इस तरह से नहीं लगाना है आपको, इस तरह से नहीं लगाना है, थोड़ा नीचे रहे ताकि पानी और खाद जो है आसानी से इसी में रह जाए। अब इसको मिट्टी से चारों तरफ भर देंगे। दोस्तों अगर आपके अगर पौधे में अगर कीड़े मकोड़े लग जाए तो आपको क्या करना है, नीम स्प्रे करना है। तो नीम के पानी का आप स्प्रे कर दीजिए, हर 15 दिन में करते रहिए, चूंकि गमले का मामला है। तो इस तरह से करना है आपको। तो मैं इसमें मिट्टी पूरी भर देता हूं अच्छी से। तो दोस्तों ये देखिए तैयार हो गया। अब इस पर पानी डाल देंगे, जो भी औजार का इस्तेमाल करें बिल्कुल साफ होना चाहिए, पानी जरूर डालें जब भी इस तरह का काम करें, और हमेशा शाम के समय 3 से 4 बजे के समय पौधे को लगाएं, ताकि 24 घंटे में वो जो है रात भर में जो है पौधा जो है रिकवरी कर लेगा। तो कोई भी पौधा लगाए इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। दोस्तों इसके फूल जो होते हैं मोगरे के फूल से डबल होते हैं, और उससे भी ज़्यादा खुशबू, बहुत खुशबू होती है इसमें, और इसका आप व्यापार अच्छा खासा कर सकते हैं, मोटी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि खाद, इसमें गोबर की खाद डालना है आपको, तो गोबर की खाद आप डालिए। जब भी डालें तो पहले से जो है गुड़ाई कर लें अच्छी चारों तरफ से, और फिर गोबर खाद डालें और फिर मिला लें, और फिर हल्का सा पानी डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। हर 15 दिन में आपको 1 चम्मच इसमें कंपोस्ट डालना है दोस्तों, क्योंकि गमला है। तो आप वर्मिंग कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में, अगर वर्मिंग कंपोस्ट नहीं मिल रहा है तो आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं। DAP आपको महीने में एक बार डालना है, 5 से 7 दाना डालना है गमले में, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए आप। तो गंधराज है दोस्तों, बहुत ही अच्छा पौधा है, देखिए मैं दिखा देता हूँ, मैंने लगा दिया है। तो इसकी मैं आपको कली भी दिखा देता हूं, इसमें कली भी आई हुई है, ये देखिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए।
तो दोस्तों ये है गंधराज का पौधा, ये देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी से, ये देखिए। तो मैंने जैसे कि आपको प्रोग्राम में कहा था कि किस तरह का पौधा लाना है, तो देखिए इसका जो ये देखिए कलम कितनी मोटी है, देखिए इस तरह से स्वस्थ होना चाहिए पौधा बिल्कुल, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितनी स्वस्थ है। देखिए इस तरह से पौधे का आप चुनाव करें, जो जड़ें हिली हो उसको नहीं लेना है आपको, तो बाज़ार से जब भी लाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये है गंधराज का पौधा, देख लीजिए अच्छे से। अब इसको हम लगाएंगे, क्या लगता है मैं बताता हूँ आगे आपको, आप देखते रहिए। सबसे पहले हमें चाहिए गमला, तो मैं आपको दिखाता हूँ गमला। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं, और अपने चाहने वालों को जो है इससे लाभ पहुंचा सकते हैं। आप इसकी चाहे तो खेती भी कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, आप ज़रूर देखें गंधराज की खेती कैसे करें, तो उसको देख के आप खेती कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको गमले के बारे में बता दिया दोस्तों, लगाइए बहुत ही खुशबू आती है, गमले में लगाएं बहुत ही अच्छा फूल देगा और साल भर रहता है, सदाबहार रहता है, इसमें जो है हर मौसम में फूल लगते हैं और बहुत ही अच्छे और खुशबूदार होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी, तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।